खरगोन जिले के पेंशनर्स लंबे अरसे से अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में लगे हैं। इसी कड़ी में शासन की मूल सुविधाओं से वंचित पेंशनर एसोसिएशन संघ के मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पोस्ट कार्ड लिखकर डाक के माध्यम से अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया। हम आपको बता दें कि संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर मुख्यमंत्री को डाक पत्र के माध्यम से समस्या हल करने की मांग की है। इसी दौरान जिला इकाई के संघ प्रमुख ने बताया कि 24 नवंबर को भोपाल में एक दिवसीय धरना देंगे और उसके बाद मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। बहुत सारी मांगे हैं जिसमें से मुख्य है 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 माह एवं 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह छठे वेतनमान एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान भी किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो। पेंशनर्स के स्वास्थ्य हेतु आयुष्मान योजना लागू की जाए। श्रीमती स्वाति देसाई, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसकी प्रमुख मांग है आपके में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले है आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त की जाए। प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर हम प्रधान डाकघर के लेटर बॉक्स में निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 2 जुलाई 2019 से केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप DR अर्थात महंगाई राहत दी जाए और एरियर राशि का भुगतान भी किया जाए। जुलाई 2022 से DR 38% से 10% की राशि का भुगतान करने के आदेश भी प्रसारित किए जाए। एक इसके बाद की समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या आगामी चरण हमारा जो है प्रदेश स्तर पर अभी 24 नवंबर को प्रादेशिक स्तर पर आंदोलन धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखा गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इसके बाद भी नहीं होता है तो आगामी चरण की रणनीति प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। रमेश चंद्र मंडलोई, पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।